महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी तेज होती जा रही है। दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा प्रत्याशियों का चयन को लेकर पार्टी बेहद ही सतर्क नजर आ रही है। शायद इसी वजह से उम्मीदवारों के चयन पर बीजेपी का मंथन देर रात तक चलता रहा। रविवार को दिल्ली में बीजेपी के कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक हुई। प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा जो है वो चलती रही। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट का ऐलान आज हो सकता है। दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख जो है वो 4 अक्टूबर है। तो आज महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी जो है इन दोनों राज्यों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 4 अक्टूबर अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जो है जारी कर सकती है। हालांकि मंथन पहले से चल रहा था और इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश के दौरे से लौटने का, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे तो उसके बाद देर रात तक बैठक चली है, बातचीत हुई है, लगभग लिस्ट फाइनल हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हमारे सहयोगी जयदीप राठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयदीप, आज महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी हो सकती है। हालांकि माना जा रहा था कि लिस्ट फाइनल हो चुकी है और एक बार औपचारिक ऐलान होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट आए वापस, उसके बाद एक बैठक होगी, उसके बाद घोषणा आज जो है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिएगा हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जो है पहली सूची आज जारी हो सकती है, और उसी को लेकर कल जो है देर रात तक जो है मीटिंग चली थी बीजेपी कार्यालय में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, राष्ट्रीय अमित शाह, जेपी नड्डा, उसके अलावा राजनाथ सिंह और हरियाणा और महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी लोग शामिल थे और चर्चा की गई कि और ये जिस तरीके से वहां से बाहर निकले थे, चाहे अनिल जैन महासचिव है प्रभारी हरियाणा के, उनसे बात हुई या प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अनुमान था कि कल रात को ही पहली सूची जारी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो है आज कयास लगाए जा रहे हैं, आज सुबह से ही हरियाणा भवन के अंदर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, ये तीनों लोगों की एक बार फिर से यहाँ पर जो मीटिंग अभी चल रही है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज जो है दोपहर तक जो है बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है उम्मीदवारों की। जी जयदीप, जिस तरह से राव इंद्रजीत जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनकी मुलाकात हो पाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पीएमओ से वक्त मांगा था? जी देखिए, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात जरूर है जिस तरीके से राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, या कृष्णपाल गुर्जर अपनी, कल कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात जरूर की थी जब ये मीटिंग खत्म होगी थी उसके बाद हरियाणा भवन में, तो बिल्कुल ये भी एक जो है रीजन रह सकता है कि जिस तरीके से डिले किया जा रहा है कि जो पार्टी के बड़े नेता है वो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं और उनको टिकट के लिए मना किया गया, तो ऐसे पार्टी पर विचार जरूर करके उनको किस तरीके से मनाया जाए, नाराजगी ना हो, उसको जो अंतर कलह है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर भी पार्टी के अंदर चर्चा है। जी 75 पार की बात बीजेपी कह रही है जयदीप, है ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि सब उम्मीदवारी बहुत ज्यादा है, लोग जो है पार्टी के वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी टिकट मिलेगा। ऐसे में हाईकमान को जो फैसला लेना है और हाईकमान का जो फैसला औपचारिक ऐलान जिसका हो जाएगा, क्या लगता है कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी उम्मीदवार जो ये सोच के बैठे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे या फिर कुछ और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के तेवर हमने देखे हैं? जी बिल्कुल, देखिए तो यही चीज पार्टी अभी सोच कर चल रही है कि जिस तरीके से बाहरी जो लोग पार्टी के अंदर आए हैं, दूसरे दलों से जो लोग आए हैं, तो जो पार्टी के पुराने संगठन के जो लोग हैं, अगर बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता तो जाहिर नाराजगी जरूर होगी, जो संगठन के लोग हैं उनमें नाराजगी जरूर होगी। उसके अलावा अगर संगठन के लोगों को टिकट देता और जिन लोगों को ज्वाइन किया गया है उनको टिकट नहीं मिलती है, वो भी बीजेपी के लिए बेहद विकट स्थिति रहने वाली, क्योंकि वो लोग टिकट की चाह में पार्टी में आए हो और अगर वो एन वक्त पर जो है पार्टी छोड़कर जाते हैं तो वो भी पार्टी के लिए दिक्कत वाली बात रहेगी। जी जी जयदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।